नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये बुल ट्रेडर्स करके हमारे YouTube चैनल है। यहाँ पे आप विजिट करके सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो आज बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो की, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आपको आगे जाके काम आने वाली है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग प्लस इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो मिल जाएंगे। बात की जाए इन्फॉर्मेशन की, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप ये देख सकते हो कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। उसी के साथ साथ बात की जाए स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक था या उसके पहले ही सेलिंग की प्लानिंग हो चुकी थी। तो ये दो पार्ट में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ, तो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको इंट्राडे आप प्लान कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर कर रहे हो तो उसको कैसे प्लान करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये जो वीडियो दिख रहा है दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आप एक बार चैनल को विजिट करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आज इंडिकेटर्स के बारे में, कि जो आप जानते हो उससे कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, या आप उसका यूज़ करके ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हो, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दूंगा, और कल एक वीडियो आने वाला है उसमें पार्ट सेकंड में आप उस इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में कल मैं वीडियो छोड़ दूंगा आपके लिए। तो आपको दोनों वीडियो देखना है, आपको वीडियो मिस नहीं करना है। तो आपको पता होगा कि आप ट्रेड कैसे करते होंगे, अगर बिगिनर्स हो, अगर आपने अभी भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है तो आपको इंडिकेटर्स का थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना पड़ता है। कुछ सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीज़ों का अनुमान हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके लगा सकते हैं। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैं ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया हूँ यहाँ पे, और टाइटन का देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, मैंने टाइटन का यहाँ पे स्टॉक ओपन किया है जिसमें टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का सिलेक्ट किया है, और कुछ चीज़ें बताने वाला हो तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो जो नए ट्रेडर होते हैं उनके मन में हमेशा एक चलता रहता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप नए हो तो जब यहाँ पे मार्केट आ चुका होगा तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, या जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा था तो और गिरने वाला है। तो ये सारी चीज़ें का अनुमान जो नए ट्रेडर होते हैं वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। अगर आप पुराने ट्रेडर हो, आपको प्राइस एक्शन अच्छे से रीड करना आता है, तो आप इंडिकेटर नहीं यूज़ करते होंगे। जो जिसकी मर्जी है वो वैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इंडिकेटर का भी इम्पोर्टेंस है, इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे बात की जाए पहले कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों, तो एक चीज़ आपको नोटिस की होगी आपने कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहाँ तक जाना ये कौन बताता है। जब आप कार से चले जाते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर रास्ते के बगल में जो साइन बोर्ड होता है, जहाँ की आपको कुछ उसमें डिस्टेंस हो गया या कहाँ कौन सा गांव आने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि आने वाला गांव, आने वाला सिटी कितने किलोमीटर के अंतर पर है और कहाँ टर्न लेना है, ये आपको ये साइन बोर्ड बता देते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल। वैसे ही ट्रेडिंग में जब स्टॉक नीचे से ऊपर जाने की मोमेंट करता है या ऊपर से नीचे आने की मोमेंटम करता है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे नेकेड चार्ट में नए ट्रेडर्स को, तो ये पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल देखा उसी हिसाब से इंडिकेटर मार्केट में काम करते हैं। तो इंडिकेटर का मेन मोटिव या मेन इंटेंशन यही था कि जो ट्रेंड है या जहाँ तक मार्केट जा रहा है वो आइडेंटिफिकेशन करना। सिंपल लैंग्वेज में आप सीख सकते हो, इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेशन, मतलब जो आपको जानकारी दे दे। तो उसमें दो टाइप होते हैं, सबसे पहला टाइप होता है कि लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर, आप हैंडराइटिंग को इग्नोर कर सकते हो, लीडिंग इंडिकेटर। और सेकेंड टाइप होता है वो होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो ये दो टाइप होते हैं इंडिकेटर के, आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि लीडिंग एंड लैगिंग का मतलब क्या होता है। लीडिंग का मतलब दोस्तों यही होता है कि जो लीड करते हैं, जो आगे से लीड करते हैं, जो आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा देते हैं लैगिंग इंडिकेटर से। तो लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब वही होता है जो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, मोर देन
लैगिंग इंडिकेटर से। और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, जो इंडिकेटर ट्रेंड कन्वर्ट होने के बाद या एक्शन होने के बाद आपको चार्ट पे दिखा देते हैं उनको लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है। बात की जाए लैगिंग इंडिकेटर्स की तो उसमें सबसे पहले आते हैं मूविंग एवरेजेस, उसी के साथ साथ उसमें आता है पिवट कॉल्स, और बात की जाए लीडिंग इंडिकेटर्स की तो उसमें आता है RSI यानी MACD, उसमें वॉल्यूम भी आ जाता है, स्टोकेस्टिक भी आ जाता है, बहुत सारे ये ऐसे इंडिकेटर है जो डिवाइड किए जाते हैं लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स में। तो आज हम बात करने वाले कि RSI इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर है तो आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली पता होगा कि आपको करना क्या है दोस्तों, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पे जाना है और आपको इंडिकेटर लगाना है, उसमें सिलेक्ट करना है RSI। यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप RSI क्लिक करोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाता है। अभी मैं इसको सेटिंग कैसे करना है, फिट कैसे करना है ये आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे, और इसको ट्रेड कैसे करना है ये कल के वीडियो में हम देख लेंगे, मैं जो कल अपलोड करने वाला हूँ 4 बजे हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज सेटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेटिंग का, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल आ चुका है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कि आपको जो ये देख सकते हो ये नीचे से जो प्लॉट हो रहा है उसका कलर क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ सिंपली मुझे ब्लू क्लियर चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा मुझे अच्छे से दिखे, और इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अपर लिमिट कितना करना चाहते हो, तो बात की जाए अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपर लिमिट 70 आ जाता है देख सकते हो यहाँ पे, और लोअर लिमिट 30 आ जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको रेड कलर कर देना है। रेड इसलिए करना है कि इसको एक रेजिस्टेंस की तरह आप ले सकते हो, मैं इसको 60 कर देता हूँ। और लोअर लिमिट की बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ग्रीन कलर वगैरह ले सकते हो, तो मैं ग्रीन कलर देता हूँ तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 30 की जगह आपको 40 मार्क करना है, मतलब 40 लिखना है, और ये डॉटेड लाइन के बारे में पूछ रहा है तो इसको मैं कंटिन्यूस लाइन लेता हूँ, दोनों की तरफ कंटिन्यू लाइन लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ, और ये पूछ रहा है कि जो बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ जिसमें से हमें पता चले। तो कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। अगर बात की जाए कलर की तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये वाला कलर सिलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, देख सकते हो आप कौन सा भी ले सकते हो, आपको जो पसंद आ रहा है वो कलर ले सकते हो। अभी इसको ओके करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कर लिया दोस्तों, तो अब हमारा यहाँ पे RSI का सेटिंग हो चुका है। जो मैंने चीज़ें बताई वो आप वही उसी हिसाब से लगा दो तभी वो इंडिकेटर मेरे हिसाब से काम करेगा, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाने वाला हूँ उसमें ये काम करेगी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी 40 एंड 60, जो 60 का जोन होता है यहाँ पे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 60 आपको मार्क करने के लिए बोला है, उसका भी रीज़न है बता दूंगा। ये 60 की लाइन है और ये 40 की लाइन है। तो मार्केट में ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट दो जोन होते हैं, तो उसको यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 70 था, तो 70 के ऊपर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे ओवर बॉट हो चुका है, मतलब जो स्टॉक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय किया जा चुका है, तो इसके ऊपर ओवर बॉट होता है। और जो 30 था बाय डिफॉल्ट उसके नीचे ओवर सोल्ड होता है, मतलब उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो ओवर सोल्ड हो चुका है, वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमें उसके ऊपर जाने के बाद तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब हम ट्रेंड मिस कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 40 एंड 60 करने के लिए बोला है। तो आप वैसे ही कीजिएगा दोस्तों, तभी ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। अभी बात की जाए RSI की, तो RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो आपको इसमें दो जोन मिलते हैं, सबसे पहले का ऊपर का जोन जो है वो मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे का एक सपोर्ट जोन है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका जो स्टॉक्स है जो आप सेलेक्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए उसमें ये इंडिकेटर आपको लगा देना है, ओके। तो उसके बाद जैसे आप इंडिकेटर लगा देते हो, टाइम फ्रेम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपका टाइम फ्रेम 1 आवर से आगे होना चाहिए, इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट से नीचे वाला होना चाहिए, जो आपको टाइम फ्रेम सूट करता है उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो मैं स्ट्रैटर्जी बताने वाला हूँ उसमें आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। स्ट्रैटर्जी कौन सी रहेगी क्या रहेगी ये कल का वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऊपर ऊपर की बात की जाए वीडियो में तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो नए ट्रेडर है उनको ये चीज़ यहाँ पे पता नहीं होती है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है दोस्तों। अगर इसको नीचे की तरफ लेके जाए तो देख सकते हो जो मैंने लाइन मार्क की है उसी के आसपास ये टच करके फिर इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया है, और स्टॉक भी देख सकते हैं ये ऊपर हायर हाई बनाता जा चुका है। तो ये चीज़ हो गई, आप इसको पकड़ के कैसे ट्रेड करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सिंपल हो जाता है आपके लिए। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप प्रो ट्रेडर हो तो भी एक एडवांस पॉइंट लेवल करके ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऊपर की मोमेंट भी आपको यहाँ पे देख सकते हो पता चल सकती है, लेकिन अगर बोला जाए तो नीचे जाने वाली मोमेंटम कैसे कैच करनी है, तो सेम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाया हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं दोस्तों।
थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो जब ये मार्केट नीचे जा रहा था, कौन से पॉइंट पे दोस्तों, ये पॉइंट पे जब मार्केट नीचे जा रहा था, ओके सॉरी मैं इसको सबसे पहले छोटा कर देता हूँ। जब मार्केट नीचे जा रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया था, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नीचे जा रहा है, तो आप नीचे देख सकते हो RSI के आसपास। RSI क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, उसी के साथ स्टॉक भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है और ये एक नीचे का लो बना दिया है, और यहाँ पे RSI ने भी एक नीचे का लो बना दिया है सेम पॉइंट पे। तो इतना सारा आप मोमेंट कैप्चर नहीं भी कर पाए, तो यहाँ का 80% भी आप कैप्चर कर लेते हो तो आपका वो प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे करना है और सेटिंग एडवांस लेवल की कौन सी हो जाती है, ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें मैं बता दूंगा कि एंट्री कहाँ होना चाहिए आपका, स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे कर सकते हो, 1:1 कैसे ले सकते हो, 1:2 कैसे ले सकते हो। तो ये जो सेटिंग मैंने बता दी, ये RSI की सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट नहीं रखना है, जो मैंने सेटिंग बताया है उसी हिसाब से आपको सेटिंग लगानी है और उसके बाद ही चीज़ें जाके काम करने वाली है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और कल जो 4 बजे पार्ट आने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आप एक एडवांस लेवल की फ्री ऑफ कॉस्ट में स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।